अब तक आपने देखा कि धनु का दूर का कजिन राजा भैया आधी रात के वक्त हमारे घर आ गया। हम सब राजा से बातें कर ही रहे थे कि तभी शौर्य को एक फोन आया कि एक आदमी अपनी बीवी का खून करके उसकी लाश गायब करके फरार हो गया है। ये सुनते ही राजा भैया के मुंह से निकला, नहीं नहीं, लाश तो वही थी सोफा के पास। हम सब शॉक रह गए। शौर्य ने अपनी गन निकालकर राजा पे टान दी और राजा भाग के धनु के रूम में घुस गया। इससे पहले कि शौर्य या हम में से कोई राजा को पकड़ पाता, धनु दरवाजे पे सबका रास्ता रोक के खड़ी हो गई। धनु को पूरा यकीन था कि उसके भैया अपनी बीवी का खून नहीं कर सकते, लेकिन शौर्य ये सोच के परेशान था कि अगर राजा निर्दोष है तो वो इतने सालों बाद धनु से मिलने आधी रात के वक्त क्यों आया। अब आगे, तुम तो जानती हो बहना, मैं शीरा से कितना प्यार करता हूँ, मैं और उसका खून क्यों करूँगा? Oh sweet God, मुझे तो ये राजा भैया ना सच में इनोसेंट लग रहा है। I need to help him. Oh yeah. शौर्य जी, प्लीज हमारी बात पे यकीन कीजिए। हम इतने से थे, तब से जानते हैं हम अपने राजा भैया को। हमारे राजा भैया ऐसा नहीं कर सकते। अरे धनु जी हटिए आप। आपने हमें डांटा। नहीं धनु जी, आपको नहीं। आपने हमें डांटा शौर्य जी। धनु जी आप, जीजा जी ने हमारी वजह से हमारी बहना को डांटा। क्या मैं बिल्कुल नहीं देख सकता? मैंने शीला का रगों में बहता है ना वो क्या होता है, खून। हाँ खून, मैंने उसका खून नहीं किया, तुम्हारी कसम। कसम पहना। अब बाकी कसमें कोर्ट में खाना पहना। राजा भैया, चल चल चल, अभी रुकिए बाबी। इंस्पेक्टर शौर्य चौहान, ये अदालत जानना चाहती है कि मेरे मुवक्किल को आप किस बिना पे गिरफ्तार कर रहे हो। बिना बात मनु, क्या कह रही है तू? आई ऑब्जेक्ट। मनु नहीं, बैरिस्टर मान्या चौहान का। एंड कमिंग बैक टू यू इंस्पेक्टर शौर्य, बिना सबूत के आप मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार तो क्या उन्हें छू भी नहीं सकते। बड़ी बेटा, वैसे ये क्या है, तो ठीक रही है। ओके, अब तो मैं कल सुबह ही आऊंगा इसके खिलाफ सारे सबूत लेके। बैरिस्टर मान्या चौहान, बैरिस्टर मान्या चौहान, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि लॉ की पढ़ाई आपने कहाँ और कब की? कभी नहीं, कहीं नहीं। तो फिर ये वकील का रूप क्यों बना कर रखा है? ओह स्वीट गॉड, अब लगता है ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। समझाइए। देखो, जिस तरह भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, उसी तरह मैंने भी, यानी कि बैरिस्टर मान्या चौहान ने, एक निर्दोष लाचार बेगुनाह राजा भैया को बचाने के लिए वकील का ये रूप धारण किया है। आए हाय, कितनी सयानी हो गई है ना हमारी मन्नू। स्वीट कॉक आई ब्लश। मन्नू थैंक यू, तेरी वजह से आज राजा भैया बच गए। लेकिन सिर्फ कल सुबह तक। हाँ? क्योंकि कल सुबह शौर्य जी सबूत लेके आएंगे और इस राजा भैया का गेम हो जाएगा ओवर। बैरिस्टर मान्या चौहान के होते हुए राजा भैया का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे काबिल दोस्त, अभी बहुत हंसी आ रही है, उन्हें ये जानकर बहुत दुख
होगा कि मैंने उन्हीं के दोस्त जस्टिस चौधरी से राजा भैया के लिए एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत ऑलरेडी ले ली है। क्या? ये देखो, तुमने चौधरी को फोन करके बेल ले ली? मुआकिल, लेट्स गो। राजा भैया को भूख भी लग रही होगी ना, तू क्या खाएगी? पकौड़े। ये धनु भाभी कुछ ज्यादा यकीन नहीं कर रही है राजा भैया पे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि धनु कभी किसी गुनहगार का पक्ष नहीं ले सकता। You're right. और उसके कॉन्फिडेंस से तो यही लग रहा है कि ये मर्डर राजा ने नहीं किया। फिर भी लेट्स बी अलर्ट। यस एजेंट हमारे। ओके। कैसे अरेस्ट कर लूं सर? बेल ऑर्डर्स हैं उसके पास। जी सर, यही है वो मेरे घर में। सर, जब तक उसके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं मिल जाता मैं उसको छू भी नहीं सकता। हाँ, सबूत ढूंढ रहा हूं सर। जी जैन। भैया रिलैक्स, चिल। भैया ये केस आपको ना बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। वो कहावत सुनी आपने, सारी खुदाई एक तरफ, चोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, जोरू का भाई है लेकिन खूनी भी तो है। ये आप बोलते हो और मुझे यकीन है आपकी बात, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ है, सबूत है? प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है ना, मिल जाएगा। आप आओ बैठो, मैं बताता हूं। बैठो बैठो, आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहां बैठो। ठीक है, सबूत मिल जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता सबूत नहीं मिला तो क्या? तो भाभी आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगी, ता उम्र एक ही बात सुनाती रहेंगी। क्या? गौर से देखिए, गौर से देखिए मेरे पुलिस वाले पति को, जिसने शक किया मेरे भोले भाले राजा भैया पे। हाय हाय। बात तो तू ठीक कह रहा है छोटे। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक। राजा भैया, आइए राजा भैया, आपके लिए गर्मा गर्म चिकंदर के पराठे बनाए हैं, आपके फेवरेट। आया। चुकंदर के पराठे मुझे बहुत ही पसंद है। हमें पता है। और इसके साथ अगर वो चमचा गिरी करने को और क्या कहते हैं? मक्खन लगाना। हाँ, मक्खन। थोड़ा मक्खन पी लिया। अभी लाते हैं हम आपके लिए मक्खन। वैसे चुकंदर हमको बचपन से ही बहुत पसंद है। अच्छा। इसका लाल लाल खून जैसा रंग। वैसे हमें खून का रंग भी बहुत पसंद है। आइला भैया, खून का रंग पसंद है। भैया वकील राजा भैया, आपकी वकील बैरिस्टर मान्या चौहान आपसे चंद सवाल करना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
हाँ बैठिए बैठिए वकील साहब, बैठिए, बैठ के सवालात कीजिए। अकेले में वकील साहिबा, हम चल सकते हैं आपके साथ? तो अकेले में मैं भी आऊं तुम दोनों के साथ? अकेले में। थैंक यू। आइए भाई। चलो मुवक्किल राजा भैया। अरे भैया कंधे मत उचकाओ, चक्के खड़े हो जाओ। क्यों? जरा हम भी तो सुने वकील साहिबा के सवालात। हाँ चलो, चलो। ये मेरी बचपन की डॉल है सीता, अब इस पे हाथ रखो और इस अदालत के सामने कसम खाओ कि तुम जो भी कहोगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहोगे। हम इस सीता के सर पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यह अदालत जानना चाहती है कि जिस रात आपकी बीवी का कत्ल हुआ उस दिन आपने क्या क्या किया? उस दिन हम सो के उठे और हमने टीवी देखा, उसके बाद फिर हमने ब्रश किया, फिर हमने टीवी देखा और उसके बाद हमने नहाया और उसके बाद हमने फिर टीवी देखा और उसके बाद हमने नाश्ता किया और फिर टीवी देखा। हमारे राजा भैया को टीवी सीरियल फिल्में वगैरह देखना ना बहुत पसंद है। यह अदालत जानना चाहती है कि आपको किस तरह की फिल्में और सीरियल देखना पसंद है। वो हमको वो कौन लोग होते हैं जो पुलिस नहीं होते लेकिन मुजरिमों को पकड़ के ले जाते हैं? जासूस। हाँ हमें जासूसी वाली फिल्में देखना पसंद है। क्यों? क्यों क्या? जासूसी फिल्में देखने के बाद ही पता चलता है कि मुजरिम पुलिस को कैसे चकमा दे सकता है। यह अदालत जानना चाहती है कि जिस वक्त आपकी वाइफ का मर्डर हुआ तब आप क्या कर रहे थे? हम फिल्म देख रहे थे टीवी पर। फिर अचानक लाइट चली गई, फिर हमने बिजली ऑफिस फोन किया गुस्से में कि तभी हमें अचानक ही क्या हुआ? चीख सुनाई दी तो हमें लगा शायद लाइट आ गई है और हमारी फिल्म की हीरोइन भी वैसे ही चीखती है जैसे हमारी शीला, लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि लाइट तो आई नहीं है। फिर वो चीख, मतलब वो चीख की आवाज तुम्हारी बीवी की आवाज थी शीला? हाँ। फिर हम दौड़कर शीला के कमरे में गए, वहां देखा तो हमारी शीला का खून हो गया था। हाँ तमले बोल। क्या तूने ठीक से चेक किया ना? पक्का? वेरी गुड, ठीक है जल्दी यहां ले आ। वेरी गुड, सबूत मिल गया। और कोई सवाल आपका? मेरा एक सवाल है। शौर्य जी। धनु जी प्लीज, ये फिल्म आप कहां देख रहे थे? I object, my lord. चुप। सो मिस्टर राजा भैया, जिस रात आपकी बीवी का मर्डर हुआ उस रात आप डीवीडी पे एक फिल्म देख रहे थे। आपको कैसे पता? हाँ या ना?
हाँ। कौन सी फिल्म देख रहे थे आप? मैंने पूछा कौन सी फिल्म देख रहा था तू? मेरी बीवी का कातिल। हाय हाय, मतलब? ये उस फिल्म का नाम है जो ये उस रात देख रहा था। मेरी बीवी का कातिल। ये अदालत जानना चाहती है कि आप ये किस बिना पे कह रहे हैं। अभी अभी पुलिस ने उस डीवीडी का कवर बरामद किया है इसके घर से। नहीं नहीं, हमारे राजा भैया ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कर सकता है और क्या नहीं अभी पता चल जाएगा। ये है उनके घर से बरामद किया गया डीवीडी प्लेयर। ये डीवीडी जिस फिल्म की है उस फिल्म का नाम है मेरी बीवी का कातिल। और इस फिल्म में एक आदमी अपनी बीवी का खून जिस अंदाज में करता है उसी अंदाज में इनकी बीवी शीला का भी मर्डर हुआ था। और देखने वाली बात यह है कि कत्ल की रात से लेके अभी तक ये डीवीडी इसी डीवीडी प्लेयर में थी। समझ गई, क्योंकि उस रात लाइट चली गई थी इसलिए। एग्जैक्टली। स्वीट गॉड, आई एम सो इंटेलिजेंट। मिस्टर राजा भैया, खेल तो आपने बहुत उम्दा खेला लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीवीडी प्लेयर से ये डीवीडी निकालना भूल गए और फंस गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखिए। ये क्या है? चुड़ैलों का हनीमून। What? हमारी फेवरेट मूवी। लेकिन ये कवर तो वो हमारी वो कौन सा गाना था वो? जवानी। शीला। हाँ शीला, वो हमारी शीला को ये मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था इसलिए हम हमेशा ये डीवीडी किसी दूसरे कवर में रखते थे ताकि शीला को शक ना हो। और जिस रात शीला का मर्डर हुआ हम यही चुड़ैलों का हनीमून देख रहे थे। Oh, how sweet. राजा भैया, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो हमें शर्म आ रही थी। देखा, खामखा हमारे राजा भैया पे शक कर रहे थे आप लोग। छोटे। हाँ इधर। हाँ भैया चल। हाँ और सबूत ढूंढने। नैना हमें भूख लगी है। भैया हम आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। मनु आजा, आइए भैया। चलो आजा। पॉपकॉर्न भी देना जिन लोगों ने खाने नहीं दी थी। चल। दाल में कुछ तो काला है। लेकिन डैड जी आपको कैसे पता कि भाभी काली दाल बनाने वाली है? मेरा मतलब कुछ तो गड़बड़ है। डैड जी मुझे भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम जल्द से जल्द इस राजा भैया की कुंडली निकालो। ओके डैड जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.